Dear student, assalamu alaikum. My name is Shakeel Anjum. I am your physics teacher. Last lecture जो हम लोगों ने deliver किया था उसमें हम लोगों ने characteristics of sound के बारे में पढ़ा था. उसमें हमारे पास जो उसके factor थे वो एक था loudness. उसके भी मज़ीद तीन factor थे. एक था amplitude of the vibrating body, area of the vibrating body, distance from the vibrating body. फिर उसके बाद हम लोगों ने discuss किया था pitch. पिच जो है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है मेनली. इसके अलावा फिर हम लोगों ने क्वालिटी ऑफ साउंड के बारे में बताया था. नेक्स्ट टुडे आवर टॉपिक इज इंटेंसिटी ऑफ साउंड. इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी का लफ्जी मतलब होता है शिद्दत. आवाज़ के अंदर जो शिद्दत होती है उसको इंटेंसिटी ऑफ साउंड का नाम देते हैं. और साउंड का प्रोड्यूस होती है कोई बॉडी वाइब्रेट करेगी. जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट करेगी तो उसमें क्या प्रोड्यूस होगी, साउंड प्रोड्यूस होगी. अब यहाँ पर हम इंटेंसिटी ऑफ साउंड को डिफाइन करने लगे हैं. साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकेंड थ्रू अ यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड. अब कोई भी बॉडी जो है उसको परपेंडिकुलर रखा हुआ हो और जो वेव उसमें से पास हो रही है उस चीज़ को हम इंटेंसिटी ऑफ साउंड का नाम देते हैं. यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो होता है वो हमारे पास होता है वाट मीटर माइनस स्क्वायर. यूनिट क्या होता है इंटेंसिटी का, वाट मीटर पर मीटर स्क्वायर, वाट पर मीटर स्क्वायर या वाट मीटर माइनस स्क्वायर होता है. अब जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है उसमें हम लोग एक फार्मूला ड्राइव करने लगे हैं. लाउडनेस को हम लोग कैपिटल एल से डिनोट करते हैं. लाउडनेस एल जो होती है लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. जितनी लाउडनेस ग्रेटर होगी लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी भी ग्रेटर होगी. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, लफ्जी मतलब ये होता है वन थिंग इज इंक्रीजिंग अदर विल आल्सो बी इंक्रीजिंग. इफ वन थिंग इज डिक्रीजिंग अदर विल आल्सो बी इंक्रीजिंग. इफ वन थिंग इज डिक्रीजिंग अदर विल आल्सो बी डिक्रीजिंग. फिर इस सिंबल को हम ख़त्म करने के लिए आप लोगों को पता है कि इक्वल का साइन लगाते हैं और कोई कॉन्स्टेंट लगाते हैं. तो एल इज इक्वल टू इसको ख़त्म करने के लिए के लॉग आई लगा देंगे. के जो होगा वो यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट को ज़ाहिर करता है. इसी तरह हम एक और साउंड लेते हैं उसकी लाउडनेस को हम एल नॉट से जाहिर करते हैं और इंटेंसिटी को आई नॉट से. वो है फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड. इट मीन फिर एल नॉट इज इक्वल टू इसी क्वेश्चन नंबर वन से हम ये रिलेशन ड्राइव करेंगे कि ए लॉग आई नॉट आ जाएगा. अब एक्चुअली जो साउंड लेवल जो होता है वो हमारा होता है दो लाउडनेस का डिफरेंस एल माइनस एल नॉट. हम लोग उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, By subtracting equation 2 from equation 1. अब हम लोग लिखते हैं फिर L minus L naught is equal to K log I minus K log I naught. K हम इन दोनों equation से common ले लेते हैं तो ये हमारी relation बन जाएगी L minus L naught is equal to K into log I minus log I naught. और आपको पता है कि log A over M जो होता है logarithm के law के मुताबिक log A over log a m over n जो होता है log a m minus log a n के इक्वल. तो हम लोग उस रिलेशन को यूज करते हुए k log i over i naught हम लोग इसको लिख देते हैं. फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से k की वैल्यू निकालनी है. मेरे पास जो रिलेशन है वो आई है l minus l naught is equal to k log i over i naught. इस रिलेशन में मैं वैल्यूज पुट करता हूँ. L माइनस एल नॉट को हम लोग यूनिट कंसीडर करते हैं. K हमने फाइंड करना है log I. I जो होता है वो tan I नॉट के इक्वल होता है. ये कैसे आता है कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो होता है वो फेंटेस्ट ऑडिबल के 10 टाइम्स के इक्वल होता है इंटेंसिटी के. तो I की जगह मैं वैल्यू पुट करता हूँ, वो आ जाएगा tan I नॉट ओवर I नॉट. I नॉट से I नॉट कैंसल. 1 इज इक्वल टू के लॉग 10 जो होगा वो 1 के इक्वल. इट मीन के की जो वैल्यू आएगी इस रिलेशन के मुताबिक वो 1 आ जाएगी. इट मीन ये वाली इक्वेशन जो है इसको हम यहाँ लिखते हैं एल माइनस एल नॉट इज इक्वल टू के की जगह 1 आ जाएगा. 1 लिखने की जरूरत नहीं है. लॉग आई ओवर आई नॉट इन टू बेल. बेल जो होता है वो साउंड का बड़ा यूनिट है. छोटा यूनिट जो होता है इसका डेसिबल होता है. 1 बेल जो होता है वो 10 डेसिबल के इक्वल होता है. तो हम लोग इसकी वैल्यू पुट करते हैं 1 बेल इज इक्वल टू 10 डीबी. तो लॉग आई ओवर आई नॉट 1 बेल की जगह 10 डेसिबल आ जाएगा. कांस्टेंट वैल्यू को हम स्टार्ट में लिखते हैं एल माइनस एल नॉट इज इक्वल टू 10 लॉग आई ओवर आई नॉट डेसिबल. इसी तरह ये सवाल जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है. डिफाइन इंटेंसिटी ऑफ साउंड.
ड्राइव द रिलेशन एल माइनस एल नॉट इज इक्वल टू टेन लॉग आई ओवर आई नॉट, या इस तरह सवाल वो ऐसे भी देता है, डिफाइन इंटेंसिटी ऑफ साउंड, एक्सप्लेन साउंड इंटेंसिटी लेवल। तो इसको मैं मार्क भी करा देता हूँ आपको बुक पर, पेज 24 पर यह आपको क्वेश्चन मिलेगा। सबसे पहले जहाँ ब्लू ब्लॉक में डेफिनेशन लिखी हुई है इंटेंसिटी ऑफ साउंड की हेडिंग देंगे, फिर आप लिखेंगे साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकेंड थ्रू अ यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। फिर हेडिंग देंगे आप यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड की, इंटेंसिटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी एंड कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली, द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज वाट पर स्क्वायर मीटर। फिर नीचे हेडिंग आ जाएगी साउंड इंटेंसिटी लेवल की, ये मुकम्मल पैराग्राफ इसमें लिखेंगे आप, ह्यूमन एयर रिस्पॉन्ड टू द इंटेंसिटी रेंजिंग फ्रॉम 10^-12 वाट मीटर स्क्वायर टू मोर देन 1 वाट मीटर माइनस स्क्वायर विच इज लाउड एनफ टू बी पेनफुल। अगर इतनी साउंडनेस हो तो वो पेनफुल हो सकती है। फिर उसके बाद आप लोग ये लाउडनेस ऑफ ए साउंड डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड बट आल्सो ऑन द फिजिकल कंडीशन ऑफ द एयर, द ह्यूमन एयर इज मोर सेंसिटिव टू सम फ्रीक्वेंसी देन द अदर। फिर आप रिलेशन लिखेंगे लाउडनेस ऑफ ए साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी, एल डायरेक्टली लॉग आई, एल इज इक्वल टू के लॉग आई, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लेंगे। इसी तरह एल नॉट इज इक्वल टू के लॉग आई नॉट, ये इक्वेशन नंबर हमारी 2 हो जाएगी। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से, उसके बाद एल माइनस एल नॉट इज इक्वल टू के इंटू लॉग आई माइनस लॉग आई नॉट, वो के लॉग आई और आई नॉट बन जाएगा। और याद रखें कि अगर वो डेफिनेशन पूछ ले आपसे इंटेंसिटी लेवल की, तो आप लिखेंगे द डिफरेंस एल माइनस एल नॉट बिटवीन द लाउडनेस एल ऑफ एन अननोन साउंड एंड द लाउडनेस एल नॉट इज कॉल्ड द इंटेंसिटी लेवल ऑफ द अननोन साउंड। तो इंटेंसिटी लेवल जो होगा वो होगा के लॉग आई और आई नॉट के, यहाँ से हमने के की वैल्यू निकाली थी और उसमें पुट करने के बाद बेल इज अ वेरी लार्ज यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लेवल और स्मॉलर यूनिट जो होता है वो डेसिबल होता है। और एक एमसीक्यूज भी आ जाता है 1 बेल इज इक्वल टू 10 डीबी। ये वैल्यू पुट करने के बाद हमारी जो मतलूबा इक्वेशन है वो आ जाएगी इंटेंसिटी लेवल या एल माइनस एल नॉट इज इक्वल टू 10 लॉग आई ओवर आई नॉट डेसिबल आ जाएगी। अब तक मैंने जो आपको समझाया, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या मेरे कॉन्टैक्ट नंबर्स पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।